इस वीडियो में हम जानेंगे एल्डोविट-12 इंजेक्शन के बारे में। एल्डोविट-12 के कंपोजिशन क्या होते हैं, किन किन चीजों में इसका प्रयोग लिया जाता है और किस साइट पे इंजेक्शन दिया जाता है, क्या इसके डोजेस होते हैं, एंड एट द लास्ट वी विल गेट टू नो ज्ञान ऑफ द वीडियो। और इन सभी से पहले हम देखेंगे एल्डोविट-12 इंजेक्शन की एक झलक यानी प्रत्यक्ष रूप। हेलो फ्रेंड्स, सोनम क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा एल्डोविट-12 का प्रत्यक्ष रूप। ये इंजेक्शन दो एम्पुल में आता है जिसको हम एल्डोविट-12 कॉम्बो पैक भी बोलते हैं। इसमें दो इंजेक्शंस होते हैं। पहला होता है विटामिन सी का इंजेक्शन, क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंड दूसरा होता है विटामिन बी के, बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं इसमें। तो ये विटामिन सी और विटामिन बी के केमिकल कंपोजिशन में आता है। ये एल्डर फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर आप एल्डोविट-12 का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे मार्केट में जो बहुत ही कॉमन और फेमस हो, तो वो है विटकोफॉल सी इंजेक्शन। एल्डोविट-12 और विटकोफॉल सी इंजेक्शन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो एकदम सेम होता है। एंड ये दोनों सेम जगह काम करते हैं, ऑलमोस्ट इनका रिजल्ट जो होता है वो भी सेम ही होता है। तो आप चूज कर सकते हैं आपको जो ज्यादा रीजनेबल लगे या आपको जो इजिली अवेलेबल मिल जाए। विटकोफॉल सी, एल्डोविट-12, आप किसी भी इंजेक्शन को प्रयोग में ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एल्डोविट-12 इंजेक्शन में क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी इसमें क्या क्या होता है। पहली एम्पुल जो येलो कलर की यानी पीले कलर की होती है, वो विटामिन सी होता है उसमें 150 ग्राम। उस एक इंजेक्शन में 150 ग्राम विटामिन सी होता है। दूसरा जो एम्पुल होता है जो लाल कलर का है, उसमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन बी के, जैसे होता है विटामिन B12 जिसको हम लोग मिथाइल कोबालामिन कहते हैं, वो 2500 mcg होता है। फॉलिक एसिड जो B9 होता है वो 0.7 mg होता है। एंड नियासिनामाइड जो कि विटामिन B3 होता है वो 12 mg होता है। ये सारे विटामिन्स हमारे बॉडी द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कई कई बार इनका जो प्रोडक्शन है बॉडी के द्वारा बनना कम हो जाता है या हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट कर दिया जाता है यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको शरीर में कुछ कमियां या दिक्कतें महसूस होने लगती हैं, तो उसकी फुलफिलमेंट के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का काम करता है बॉडी में। तो चलिए जानते हैं कि किस किस चीज़ों में एल्डोविट-12 इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है ये विटामिन्स का कॉम्बी पैक इंजेक्शन है, तो इसका जो प्रयोग होता है वो विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए होता है। जैसे यदि कोई इंसान अच्छे से खाना पीना नहीं ले रहा है, उसको इम्प्रॉपर डाइट मिल रही है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए इंजेक्शन प्रयोग में लाया जाता है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या आप काफ़ी दिनों से बीमार हैं, तो उस टाइम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा विटामिन्स की ज़रूरत होती है रिकवरी के लिए, तो उस समय आपको इंजेक्शन दिया जा सकता है। कोई बूढ़े मनुष्यों में, ओल्ड एज पेशेंट्स में ये विटामिन इतना ज़्यादा बन नहीं पाता जितना शरीर को ज़रूरत होती है, तो उस टाइम ये इंजेक्शन प्रयोग में लाया जाता है। अगर किसी मरीज को शारीरिक कमजोरी फील होती है यानी फिजिकल वीकनेस लगता है, उसको थकान रहती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, और सबसे बड़ी बात कि मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसको चक्कर आ रहा है, हाथ पैरों में सुन्नपन लग रहा है, तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग लाया जाता है। डायबिटिक मरीजों में यानी जो लोग जिनको मधुमेह की समस्या होती है, तो उनकी काफ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको दूर करने के लिए भी इंजेक्शन प्रयोग में लाया जाता है। जब भी मरीज को डिहाइड्रेशन यानी दस्त की समस्या होती है, उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है और शरीर में बहुत कमजोरी और थकान लगती है, तो उस समय इस इंजेक्शन का प्रयोग लाया जाता है। बिना किसी बीमारी के जब किसी मरीज का वजन कम होने लगता है या उसको बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, उसको चलने में चक्कर आता है, तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग लाया जाता है, जिससे कि मरीज की जो कंडीशन है उसको बैलेंस आउट किया जा सके एंड फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करा के उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एल्डोविट-12 की क्या इंजेक्शन साइट होती है, यानी किस जगह पे आपको इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, यानी जब हम ये इंजेक्शन मांसपेशियों में देते हैं। ये दोनों एम्प्यूल जो होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी के, इन दोनों एम्प्यूल्स की क्वांटिटी एक सिरिंज में मिक्स कर ली जाती है एंड फिर उसके बाद ये ग्लूटियल मसल, हिप की ग्लूटियल मसल में इसको दिया जाता है। आप देखिए मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी है, साइड में आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का टिक है वो ग्लूटियल मसल होती है। तो हमेशा IM इंजेक्शन ग्लूटियल मसल में ही दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इंट्रावेनस इंजेक्शन की, यानी ये इंजेक्शन जब आपको नसों में दिया जाता है,
तो हमेशा ये नसों में देने से पहले डाइल्यूट किया जाता है, यानी सॉल्यूशन के साथ मिलाकर ही लगाया जाता है। आप किसी भी आईवी डिप के साथ, जैसे आरएल, डीएनएस या एनएस के साथ मिला सकते हैं। आप चाहें तो बहुत थोड़े अमाउंट में 20 या 30 एमएल एनएस में मिक्स करके भी लगा दे सकते हैं पेशेंट को। ऐसे डायरेक्ट कभी बिना डाइल्यूट किए हम इंट्रावेनस फ्लूइड में नहीं देते हैं इस इंजेक्शन को, क्योंकि उससे बहुत सारे चक्कर आ सकता है, आपको एकदम से गर्म ज़्यादा कर सकता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या डोसेज फॉर्म होते हैं या कितनी मात्रा में ये मरीज को दिया जाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में सामान्यता कमजोरी है, यानी कॉमन वीकनेस है, तो एक इंजेक्शन आपको लगाया जा सकता है। और ज़्यादा समस्या है अगर आपको वीकनेस के साथ साथ चक्कर भी आता है, हाथ पैरों में सुन्नपन भी होता है, तो ये इंजेक्शन आपको डेली दिया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और अगर वो डेली नहीं दिया जा रहा है तो ये आपको अल्टरनेट बेसिस में दिया जा सकता है। और अल्टरनेट देने पर ये 3, 5 या 7 के डोजेज में आपको दिया जा सकता है, मतलब या तो 3 इंजेक्शन का डोज या 5 इंजेक्शन का डोज या 7 इंजेक्शन का डोज। तो चलिए अब चलते हैं हमारे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो है ज्ञान ऑफ द वीडियो। तो वैसे तो ये इंजेक्शन हर चीज़ में सेफ होता है, इवन प्रेगनेंसी सेफ होता है। ये प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं को भी ये इंजेक्शन आप दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये कि आपको कभी भी अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, या ये इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन अल्कोहल के कंजम्पशन के साथ बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट ये आपको दिखा सकता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।